सीताराम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं कर रही हूँ अपने स्कूल का होमवर्क, सो जो कि है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हमें बनाना था बुक कवर, बट जो कवर था उसी में हमें मतलब लिखना है, एंड जो आगे का होता है ना यहाँ पर हमें मतलब ड्राॅइंग बनानी थी। सो मैं वही अपना काम कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरा बुक कवर। तो इसमें जब ये मैं स्टोरी लिख लूँगी, जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तभी मैं कर रही हूँ अपना वर्क इंग्लिश का। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे स्टोरी लिख रही हूँ। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको अपना पूरा बुक कवर दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। आपको मैंने से बताना कि ये कैसे बना है। तो चलो मिलते हैं आपसे स्टोरी बनाने के बाद। फ्रेंड्स, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टोरी कम्प्लीट हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरी आगे ड्राइंग। सो आप कमेंट्स में बताओ कि आपको मेरी ड्राइंग कैसी लग रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये दोनों हैं, एंड ये है सिल्वर पॉट। तो ये है द बेबी पॉट वाली स्टोरी। तो यहाँ पे ये ड्राइंग पूरी मैंने खुद से बनाई है। तो कमेंट्स में बताओ कि आपको मेरी ड्राइंग कैसी लग रही है। और ऊपर मैंने क्लाउड्स एंड यहाँ पर ट्रीज वगैरह एंड यहाँ पर हाउस बनाया है। चलो अंदर। तो ये देखो, यहाँ पर लिखी है मैंने स्टोरी एंड इस तरफ भी। सो ये है बेबी पॉट। गोपालन वंस टोल्ड हिज वाइफ टू कुक अ फाइन एंड टेस्टी मील। सो शी रिप्लाइड हिम दैट गुड राइस पुडिंग। सो राइस पुडिंग की मतलब आप देखो, ये है गोपालन एंड ये है उसका नेबर, क्योंकि जो स्टोरी में है ना, मैं आपको बताती हूँ मेरी ड्राइंग कैसी लगी। मेरा पेट जुड़ गया, तो इसको कैसे मजा आ रहा है देखो, कैसे लेट कर है। मैं भी हंसूंगी। ये है मेरी ड्राइंग, और कमेंट्स में बताने की आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी। और इस स्टोरी का नाम था द बेबी पॉट। सो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पे देखो, ये रही मेरी ड्राइंग। सो कैसे फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कमेंट्स में बताएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, सी यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।